डियर स्टूडेंट्स, चलिए आज हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब स्टूडेंट्स, वेरिएबल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं एट्थ क्लास में, और ये जो है इक्वेशन के बारे में ही पढ़ चुके हैं, और लीनियर के बारे में भी हम लोग उसको स्टडी कर चुके हैं। आज नाइन्थ क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं टू वेरिएबल के बारे में। वन वेरिएबल हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी हम स्टार्ट करेंगे ए रूट से, उसको जड़ को पकड़ेंगे, कमी कहाँ है, कमजोरी कहाँ है, इसमें हम लोग पकड़ेंगे। तो यह जो है यह वीडियो नाइन्थ क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंस होने वाला है, और टेंथ क्लास के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है, और जो इलेवेंथ ट्वेल्थ पढ़ने वाले उनके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि अगर आपका रूट जड़ मजबूत है तो आगे आपका मैथ अच्छा रहेगा। तो हम चाहते हैं कि आप लोगों का मैथ बहुत अच्छा हो, इसलिए हम लोग बेसिक से शुरुआत करते हैं। कोई भी क्लास में स्टार्ट करेंगे तो उसका बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक पढ़ेंगे आज लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के बारे में, इसका बेसिक क्या होती है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज क्लास नाइन्थ का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लीनियर से स्टार्ट नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करेंगे वेरिएबल से, वेरिएबल से इसको पढ़ेंगे और बैक होते जाएंगे लीनियर की ओर। देखें कैसे ये वेरिएबल्स हम लोग जैसे जानते हैं, ये वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल वेरिएबल वर्ड बना है भैरी से, भैरी भैरी से बना है, और भैरी मीन्स होता है टू चेंज, टू चेंज, टू चेंज मीन्स बदलना, यानी क्या बदलेगा। ऐसे हम लोग जो है अभी पढ़े 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू जीरो। देखें इसमें क्या होता है कि ये जो है 2 कांस्टेंट के फॉर्म में, 2 कांस्टेंट है, इसका वैल्यू कभी नहीं बदलेगा, कभी नहीं। x के स्थान पर इन प्लेस ऑफ x वी कैन पुट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यू, तो x के स्थान पर हम लोग कई वैल्यू को रख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 एज यू लाइक। और ए थ्री ये भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका भी वैल्यू नहीं बदलेगा, इसका भी वैल्यू नहीं बदलेगा। तो जिसका वैल्यू बदल जाए, जिसका वैल्यू बदल जाए समझे, उसके स्थान पर हम कुछ भी रख सकते हैं, वह क्या कहलाता है, वेरिएबल। तो आ गया समझ में कि वेरिएबल क्या होती है। ये अभी देखेंगे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, अगर 9 लिखे तो इसमें 2 क्या है, 2 वैल्यू बदल नहीं सकता है, 2 हमेशा 2 ही रहेगा, चाहे इसके अर्थ पर, इस अर्थ पर रखो या जुपिटर पर रखो या मार्स पर रखो, कहीं भी रख दीजिए, कोई वैल्यू बदलने वाली बात नहीं है। तो 2 का वैल्यू नहीं बदलता, इसलिए इसे कांस्टेंट कहेंगे, इसे कांस्टेंट कहेंगे, इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता, जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज नहीं होता है वह कांस्टेंट कहलाता है। तो 2 तो चेंज नहीं होगा। अब बात रही x का, x तो वेरिएबल, x का वैल्यू हम 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं, तो x का वैल्यू चेंज हो सकता है ना, हम लोग चेंज कर सकते हैं ना x के वैल्यू। और अब 3 भी क्या है, कांस्टेंट है, इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होगा, बाई ए वेरिएबल है, इसका वैल्यू चेंज होगा। और 9, इसका वैल्यू भी चेंज नहीं होने वाला है, 9 हर जगह 9 रहता है, ये फिक्स हो गया कि 9 है तो 9 है, इसमें चेंज होने वाली बात नहीं है। तो इसमें एक्स बाय ये दो वेरिएबल है। अब तो समझ में आ गया कि वेरिएबल होता है जो जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होता है, That quantity change its value is called variable. That quantity change its value is called variable. तो variable,
हम लोग किसकी बात करेंगे, वेरिएबल की, जिस क्वांटिटी का वैल्यू चेंज होता है उसे हम वेरिएबल कहते हैं, इज कॉल्ड वेरिएबल या वेरिएबल हो गया। अब है जैसे हम वेरिएबल की बात करें, वेरिएबल की बात करें तो इसे हम इंडिकेट कैसे करते हैं, वेरिएबल को, वेरिएबल को स्मॉल लेटर इंग्लिश का एक्स बाई जेड टी यू वी ये सबसे इंडिकेट करते हैं। वेरिएबल को इंडिकेट कैसे किया जाता है, स्मॉल लेटर, स्मॉल लेटर से इसे इंडिकेट हम लोग करते हैं वेरिएबल को। तो अब हो गया वेरिएबल हो गया, लेकिन ये कंडीशन रखता है कि वेरिएबल में भी सिंगल हमें नहीं चाहिए, वेरिएबल्स सिंगल नहीं है ना, प्लुरल है, तो कितना चाहिए, टू चाहिए। वेरिएबल में भी हमें कैसा वेरिएबल चाहिए, टू वेरिएबल चाहिए, यानी कि 2x+9=0 ऐसा हमें नहीं चाहिए। ये 2x+9 इसमें वन वेरिएबल है, सिर्फ एक्स वेरिएबल है, हमें टू वेरिएबल होना चाहिए, हमें कितना चाहिए, टू वेरिएबल चाहिए। तो इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे कि इसमें वन वेरिएबल, क्लास में इसकी बात हम लोग नहीं करने जा रहे हैं। तो किसकी बात करने जा रहे हैं, तो एक्स का, सिर्फ एक्स का नहीं, इसमें एक और वेरिएबल होना चाहिए। जैसे अगर 2x+3y=10 लिख दें तो इसमें एक्स एक्स एक वन वेरिएबल बाई वन वेरिएबल, तो इस तरह का इक्वेशन की हम लोग बात करेंगे इस लेसन में। इस लेसन को जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, इसमें कैसे बात करेंगे, इस इक्वेशन को, दिस टाइप ऑफ इक्वेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस। तो इसमें हम लोग बात करने नहीं जा रहे, हम लोग किस में बात करेंगे, 2x+3y=10, क्यों, क्योंकि इसमें x वन वेरिएबल और y नेक्स्ट वेरिएबल, यानी कि दोनों मिलकर के टू वेरिएबल हो गए। तो इस तरह का हम लोग इसमें बात करेंगे किसका, टू वेरिएबल का, टू वेरिएबल का बात करेंगे। अब बात रही कि इक्वेशन का, इक्वेशन का हम लोग बात करेंगे। इक्वेशन इक्वल से है, इक्वल मतलब जो, जब जो है, जब हम लिखते हैं कभी कभी ऐसे लिखें 2x=0, 2x=0 लिख दिए, तो अब इसे हम इक्वेशन कहेंगे, इस फॉर्म को इक्वेशन कहेंगे, क्योंकि वह इक्वल से दोनों को सेपरेट किया गया है, इक्वल से सेपरेट किया गया है। अगर हम लिखें 3x+9=5, तो ये इक्वल से दोनों सेपरेट है, ये दोनों का सेपरेशन क्या है, इक्वल से, ये 3x+9=5 इक्वल टू मतलब इक्वल से सेपरेट है। तो इक्वल से अगर सेपरेट होता है, जब दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को इक्वल से सेपरेट किया जाता है तो इक्वेशन कहलाता है। ये समझ में आ गया कि इक्वेशन, और अगर इक्वल से सेपरेट ना हो, अगर हम लिख लें 2x+9, तो ये क्या है, ये इक्वल से सेपरेट नहीं है, इसमें इक्वल तो साइन है नहीं, तो इक्वल साइन नहीं है तो ये क्या है, पॉलिनोमियल है। इसके बारे में अगर जो है आप चैप्टर पढ़ लीजिएगा, हमने उसमें डाल रखा है इसका पॉलिनोमियल का वीडियो, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आएगा पॉलिनोमियल है क्या। तो अगर आप नहीं पढ़े तो, अगर पढ़े तो ठीक है। 2x+9 ये जो है पॉलिनोमियल, क्यों, क्योंकि इसमें इक्वल का साइन नहीं है, इक्वल का साइन नहीं है तो ये पॉलिनोमियल है। आगे अभी आपसे पूछे कि 2x=9 ये क्या है, तो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन है ना दोनों के बीच, ये क्या है, इक्वेशन है। अगर बोले 2x+8 ये क्या है, तो इसमें इक्वल का साइन तो है नहीं, तो ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल, यानी कि ये जो है एक तरह का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है, अब आगे समझ में कि इक्वेशन क्या होती है, तो इक्वेशन की बात करेंगे। इस चैप्टर में हम किसकी बात करने जा रहे हैं, वेरिएबल का। अब वेरिएबल में भी टू होना चाहिए, इसमें टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसमें भी इक्वेशन वह वेरिएबल किस जो है टू होना चाहिए, और उसमें क्या होना चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में, किस फॉर्म में होना चाहिए, इक्वेशन के फॉर्म में होना चाहिए। आप समझ में आ गया कि इक्वेशन के फॉर्म में इक्वल, इसमें इक्वल का साइन लगा हो उस फॉर्म में होना
चाहिए। अब इसमें बात करेंगे इक्वेशन हो तो कैसा हो, इक्वेशन अगर हो तो कैसा हो, वह इक्वेशन लीनियर का फॉर्म होना चाहिए, लीनियर, ये लीनियर में होना चाहिए। अब आप पूछेंगे कि लीनियर क्या है ना। देखिए अब जो है वेरिएबल जो लिखते हैं हम लोग, 2x, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, अगर ऐसे लिखे इस ये इक्वेशन को लिखे 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, तो इसमें देखेंगे वेरिएबल जो x है, x वेरिएबल है और 2 कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, तो ये जो x जो वेरिएबल है x, उसका पावर कितना है, पावर कितना है, अगर पावर 1 है, पावर अगर 1 है तो वह लीनियर होगा, पावर अगर 1 है तो वह लीनियर होगा, अगर पावर 2 है, अगर ऐसे रहे 2x² प्लस 3x इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में रहे तो पावर यहाँ 2 है, पावर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा, पावर 1 तो लीनियर इक्वेशन, पावर 2 तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। लेकिन हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को इस चैप्टर में बात नहीं करने जा रहे, हम सिर्फ लीनियर की बात कर रहे हैं। तो वह जो है हमें इक्वेशन किस तरह का मिलेगा, 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, अगर इस फॉर्म में लिखा जाए 2x प्लस 3y इक्वल टू 0, तो इसमें इस इक्वेशन में सब आ गया, क्या आ गया, ये वेरिएबल भी है, तो वेरिएबल कितना है, 2 है, एक्स और वाई ये दोनों क्लियर हो गया। अब एक इक्वेशन कैसा है, इक्वेशन होना चाहिए ना, तो इक्वल का साइन है तो इक्वेशन भी है, और एक्स पावर 1 और वाई का पावर 1 तो लीनियर हो गया। तो समझ में आ गया होगा कि हम लोग जो जिस चैप्टर की बात कर रहे हैं उस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ने वाले हैं 2x प्लस 9y इक्वल टू, अगर हम 15 की बात करें तो ये क्या है, ये कौन सा इक्वेशन है, यह जो है लीनियर है, क्योंकि इसका एक्स वेरिएबल का पावर 1 है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स की बात हम लोग करेंगे इस चैप्टर में। तो चले अभी देखें हम लोग जो है देखते हैं कि 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 है, तो 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, इसमें x का पावर 1 है, x का पावर 1 है, तो यह लीनियर इक्वेशन तो है, लीनियर इक्वेशन है क्योंकि x का पावर 1 है, तो जिसका पावर 1 होता है जिस वेरिएबल का उसे लीनियर कहते हैं, तो क्लियर हो गया। लेकिन लीनियर क्या है, 1 वेरिएबल, वह जो 1 वेरिएबल है इसमें लीनियर 1 वेरिएबल है, 2x का पावर 1 जो है वन कितना है, 1 वेरिएबल, तो 1 वेरिएबल, तो 2x इसको हम अगर राइट हैंड करें तो माइनस हो जाएगा -3, तो x इक्वल टू -3/2, यह जो है लीनियर, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का सॉल्यूशन जो होगा वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि इसका एक फिक्स सॉल्यूशन होगा -3/2, -3/2 सॉल्यूशन होगा, फिक्स सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का वन सॉल्यूशन होने जा रहा है। ये ध्यान देना है कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कितना सॉल्यूशन वन होगा। अगर बात करें हम 5x इक्वल टू 5 बात करें इसकी, तो 5x इक्वल टू 5 ये कौन सा इक्वेशन है, लीनियर है, क्यों, क्योंकि लीनियर है, और लीनियर में कौन है, तो वन वेरिएबल, लीनियर में भी हम लोग टू वेरिएबल नहीं है, ये कौन सा है, वन वेरिएबल है, वन वेरिएबल है लीनियर में, तो लीनियर में वन वेरिएबल हो गया तो इसका कितने सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन, क्यों, क्योंकि देख लीजिए 5x इक्वल टू 5 है, तो x इक्वल टू कितना होगा, 5/5 इक्वल टू 1, यानी कि इसका वन सॉल्यूशन होगा, वन सॉल्यूशन। तो समझ गए कि हम लोग जो है अगर आपको मिल जाए कि 5x इक्वल टू 10 ये कौन सा इक्वेशन है, 5x इक्वल टू 10 ये कौन सा इक्वेशन है, तो आपको जो है दिमाग में आना चाहिए ये कि इसका x सिंगल वेरिएबल वाला है,
तो वन वेरिएबल होगा और ये सिंगल वन वेरिएबल तो होगा ही, समझे। और इसको जो लीनियर इक्वेशन है, सबसे पहले लीनियर है क्योंकि उसका पावर कितना है, वन है, वन है तो लीनियर है, और टू है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। तो हम लोग जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में भी पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब हम लोग जो 10th में एंट्री मारेंगे, समझे। तो इसमें आप लोग जो है, अगर आप नहीं पढ़े हैं, 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए करें, जो नए नहीं पढ़े हैं, वह वीडियो बना के हमने बना रखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, उसे भी आप पढ़ लेंगे। तो हाँ, 9th क्लास में भी आपको वेट करना पड़ेगा। तो 5x + 1, 5x = 10 है, तो 5x = 10, ये कौन सा इक्वेशन है, ये तो लीनियर है, क्यों, क्योंकि पावर वन है, पावर वन तो लीनियर इक्वेशन हो गया। और इसका कितना सॉल्यूशन, इसका कितना सॉल्यूशन होगा, 2, x = 10/5 = 2, तो वन सॉल्यूशन होगा। तो लीनियर इक्वेशन का वन सॉल्यूशन होगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल की बात कर रहे हैं, वन वेरिएबल का की बात करें, इसका फॉर्म की बात करें, इस किस फॉर्म में ये रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, तो इस फॉर्म ax + b = 0, इस फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहेगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। क्या इसको बोलेंगे, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का ये फॉर्म हो गया। और इसलिए इसको अगर लिखते हैं ax + x = क्या होगा, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो -b, और x = -b/a, a जो है इसका एक फिक्स सॉल्यूशन होगा, एक वन सॉल्यूशन होगा, क्यों, क्योंकि x का वैल्यू कितना आएगा, -b/a। तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ लिए कि लीनियर इक्वेशन को कैसे, उसको किस तरह हम लोग पहचानेंगे। अब हम लोग बात करेंगे टू वेरिएबल की, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किसके, टू वेरिएबल की। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो होती है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल ये जो होती है, इसमें क्या होती है, वेरिएबल वेरिएबल कितने होते हैं, टू वेरिएबल कितने होते हैं, टू उसका जो है, और वेरिएबल का पावर कितने होते हैं, उसका पावर होगा, पावर वन होगा। इसको याद रखना कि वेरिएबल का पावर कितना होगा, वन होगा, और ये टू वेरिएबल होंगे। अब बात करें जैसे, अब कैसे होगा, अभी हम लोग ये बात करें 2x + 9y = 18, इसकी बात करें 2x + 9y = 18, इसको देखें तो 2x, इसमें 2x और 9y है, यानी कि वेरिएबल कितना, दो, x भी है और y भी, तो दो वेरिएबल है, टू वेरिएबल है ना, इसमें टू वेरिएबल है, और दोनों वेरिएबल का पावर कितना है, वन, इसका मतलब ये लीनियर है, इसका मतलब ये लीनियर है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में रहेगा, अगर इसकी बात करें तो ax + by + c = 0, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को। एक्स क्या हो गया, सॉरी, ए क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, बी भी कांस्टेंट है, और सी भी कांस्टेंट है। ए कांस्टेंट, कांस्टेंट के बारे में जो है हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं कांस्टेंट क्या है और वेरिएबल क्या है, बहुत इसी अच्छी तरह से भी पढ़े हैं, अगर आप नहीं पढ़े तो उसको भी आप जाकर के पढ़ सकते हैं। तो कांस्टेंट भी दो तरह का होता है, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट और एक वेरिएबल, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो दो तरह के कांस्टेंट होते हैं, एक एब्सोल्यूट कांस्टेंट, एक आर्बिट्री कांस्टेंट। तो ए जो है क्या है, ax + by + c = 0,
क्या है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। ए आर्बिट्री कॉन्स्टेंट है, ए आर्बिट्री मतलब जिसको वैल्यू कभी कभी बदल जाता है, कभी कभी हम लोग ए को जो है ना ए को वेरिएबल के फॉर्म में भी लिख लेते हैं, कभी कभी ए को हम क्या लिखते हैं वेरिएबल के फॉर्म में, इसलिए इसको आर्बिट्री कॉन्स्टेंट बोलते हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि इस लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल किस फॉर्म में होता है, तो किस फॉर्म में होगा, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होगा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का ये फॉर्म होता है। तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, ये क्या है, व्हेन लीनियर इक्वेशन रिटेन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, व्हेन इक्वेशन रिटेन एज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए नॉट इक्वल टू जीरो, बी नॉट इक्वल टू जीरो, और दोनों जीरो नहीं होना चाहिए, इसे हम लीनियर इक्वेशन इन लीनियर इक्वेशन कहेंगे, समझे, लीनियर इक्वेशन इन क्या टू वेरिएबल कहेंगे इसमें, क्यों, जब ए एक्स और ए जीरो नहीं बी जीरो नहीं। अब बात करेंगे कि ए जीरो क्यों नहीं बी जीरो क्यों नहीं, चलिए देखते हैं इसको, ए जीरो क्यों नहीं होगा बी जीरो क्यों नहीं होगा, चलिए देख लेते हैं। अब हम बात करेंगे ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर हम ए इक्वल टू जीरो कर दें, ए इक्वल टू जीरो कर दें, तो ए इन प्लेस ऑफ ए, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू जीरो, देन वी फाइंड दैट ए ए इक्वल टू जीरो, ए इक्वल टू जीरो जीरो इंटू एक्स, क्योंकि ए का वैल्यू जीरो रखा है ना, तो जीरो इंटू एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस कंडीशन में ए ए क्या हो गया जीरो हो गया, तो जीरो प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब इस कंडीशन में ए जो फॉर्मूला ए जो फॉर्मूला क्या मिला, ए जीरो प्लस बी वाई प्लस सी, तो इसको हम अगर ऐसे लिखें बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो ए क्या है लीनियर तो है लेकिन टू वेरिएबल नहीं है, लीनियर तो है लेकिन ये वन वेरिएबल हो गया। अगर बी जीरो हो जाए इफ बी इक्वल टू जीरो, इफ बी इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हो जाए तो क्या होगा, ये ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, अगर बी जीरो हो जाए तो क्या हमें ए एक्स प्लस जीरो इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो इस कंडीशन में ए एक्स ये तो पूरा जीरो हो गया ना, प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इस कंडीशन में यहाँ इस जगह पर क्या लिखेंगे, ए एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पर लीनियर तो है लेकिन वन वेरिएबल आ गया, तो वन वेरिएबल आ गया इसका मतलब कि ये जो है ए जीरो नहीं होना चाहिए और बी जीरो नहीं होना चाहिए, अगर ए और बी दोनों जीरो हो गया तो वह जो है क्या होगा, ए लीनियर इक्वेशन नहीं होगा। तो इसको देख लेते हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल देखेंगे, ए लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का डिफाइन क्या होता है, तो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, एक इक्वेशन जो ऑफ द फॉर्म किस फॉर्म में होना चाहिए, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस फॉर्म में होना चाहिए एक इक्वेशन को, इस फॉर्म में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर जहां ए बी एंड सी, ए और बी एंड सी आर रियल नंबर, कौन सा होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए, समझे, इज कॉल्ड ए लीनियर इक्वेशन इन एक्स और वाई, तो उसे हम लीनियर इक्वेशन कहेंगे, किसका, एक्स वाई का, क्यों लीनियर इक्वेशन है, किस फॉर्म में होना चाहिए, ए ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, लेकिन ए बी ए जीरो नहीं होना चाहिए, अभी
बताया ना क्यों नहीं होना चाहिए, रीजन बताया, तो ए और बी जीरो नहीं, अगर दोनों में से कोई एक जीरो हो जाता है तो ये टू वेरिएबल नहीं होगा, ये टू वेरिएबल नहीं हो, हमें तो चाहिए टू वेरिएबल की बात हम लोग कर रहे हैं। तो ये हम लोग देख लिए कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल कैसा है। अब हम लोग उसका एक्सरसाइज को स्टडी करेंगे, एक्सरसाइज एनसीईआरटी का एक्सरसाइज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, कितना 4.1 हम लोग आज उसको सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 4.1, इस क्वेश्चन को देखेंगे। ये क्वेश्चन क्या है देख लीजिए, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, एक पेन की कीमत समझे, और एक बुक की कीमत में क्या कंपेरिजन है देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस, बुक का कॉस्ट जो है पेन के कॉस्ट से ट्वाइस है, दुगना है। क्लियर हो गया, बुक का कॉस्ट पेन के कॉस्ट कितना है, डबल है, ट्वाइस। राइट ए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स टू रिप्रेजेंट दिस स्टेटमेंट, उसको एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में रिप्रेजेंट करना है। किस इक्वेशन में रिप्रेजेंट करना है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो चलिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं, द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, यही क्वेश्चन है। द कॉस्ट ऑफ ए बुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ ए पेन, अगर बुक की कॉस्ट हमें पता नहीं है, बुक की कॉस्ट भी पता नहीं है और पेन की कॉस्ट भी पता नहीं है, अगर उसको हम मान लेते हैं लेट द कॉस्ट ऑफ ए बुक बी एक्स, एक्स अगर मान लेते हैं वह कितना है, एक्स है, और ये पेन की कॉस्ट क्या क्रमांक है, एंड द कॉस्ट ऑफ ए पेन बी बाई, फर्स्ट का एक्स सेकेंड का बाई। क्लियर हो गया, फर्स्ट को एक्स माने क्योंकि हमको पता नहीं है ना, तो एक्स मानना पड़ेगा, इसको भी पता नहीं है तो बाई मान लेते हैं। तो कहता है क्या है, एक्स जो है, एक्स किसके इक्वल है, कहता है ये ट्वाइस किसके, पेन के कोस्ट का, ये पेन का कोस्ट कितना है, वाई, तो ये क्या है, ट्वाइस है। क्लियर हो गया, बुक जो है ट्वाइस है, किसके ट्वाइस है पेन से, ट्वाइस डबल, किसके ट्वाइस है, पेन से ट्वाइस है। तो क्या हो गया, एक्स किसके ट्वाइस है, पेन से, पेन के ट्वाइस है, तो ये क्या होगा, एक्स इक्वल टू टू वाई, एक्स इक्वल टू टू वाई, ये क्लियर हो गया, एक्स इक्वल टू टू वाई। तो एक्स इसे हम अगर किस में करेंगे, लेफ्ट में लाएंगे तो टू वाई, राइट हैंड साइड क्या बचेगा, जीरो। तो ये जो फॉर्म हमें मिला, ये जो क्या फॉर्म मिला, एक्स इक्वल एक्स माइनस टू वाई इक्वल टू जीरो, ये किसको, ये लीनियर इक्वेशन है, किस को, कितने वेरिएबल इसमें है, टू वेरिएबल, एक्स और वाई दोनों। तो यह जो है सॉल्यूशन हमें मिला और लीनियर इक्वेशन का मिला और टू वेरिएबल का मिला, तो इसका ये आंसर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखेंगे, ये क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन द फॉर्म ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक लीनियर इक्वेशन है जो इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, और उसका ए बी और सी लिखना है कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। देख लेते हैं इस लीनियर इक्वेशन को, देखते हैं क्या है, 2x प्लस 3y इक्वल टू 9.35 पर बार है, 9.35 और बार किस पर है, 5 पर। तो अब देखें इस किस फॉर्म में होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू जीरो,
एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, इसके सामने इसको पुट करते हैं, टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू 9.35 और बार है 5 पर। अब देखा जाए कि इसमें x यानी कि a, इसके लिए इसमें y यानी कि b 3 के लिए, इसमें c नहीं है तो इसको c के स्थान पर हमको करना है, तो क्या करेंगे इसको अंदर कर दो, इसको इज इक्वल टू जीरो अब हो गया। अब इसको c, ये क्या हो गया c, तो इसमें a a इज इक्वल टू कितना हुआ 2, b इज इक्वल टू कितना हुआ 3 और c इज इक्वल टू कितना हुआ, c ये माइनस में है ना, तो माइनस 9.35 बार। ये इसका सॉल्यूशन हुआ। नेक्स्ट अगर इस इक्वेशन को देखते हैं, क्या है x माइनस y बाई 5 माइनस 10 इज इक्वल टू जीरो, फिर हम उसी फॉर्म को लाएंगे, किसको लाएंगे, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। अब इसमें एक्स है, एक्स इसमें है और इसमें भी है, इसको बाउंड्री मार लेते हैं, एक्स का, ये वाई इसमें है, इसमें वाई है, इसमें और इसमें ए क्या है सी है, सी है। अब क्लियर हो गया कि एक्स के अलावा इसमें ए है, एक्स के अलावा इसमें कुछ भी नहीं है तो वन है, कुछ भी नहीं है तो वन, तो एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा वन होगा इसमें, क्योंकि वन इंटू एक्स एक्स होगा तो वन होगा। इसमें देख लेते हैं, इसमें क्या है वाई, वाई अगर हटा दें तो इसमें क्या मिलेगा, बी के लिए किसका मिलेगा, वाई ऊपर है ना तो b के लिए किसका मिलेगा, माइनस तो है माइनस मिलेगा और 1/5 मिलेगा, नीचे 5 है ना तो 5 मिलेगा। अब c के लिए क्या मिलेगा, तो c के लिए माइनस 10 मिलेगा। उसी तरह इसको अगर देखा जाए, इसमें 2x plus 3 2x minus 2x plus 3y is equal to 6 में देखा जाए तो फिर हम फॉर्म लिखते हैं किसका, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, इन जो है टू वेरिएबल का लिखते हैं फॉर्म, तो क्या लिखेंगे इसमें, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इज इक्वल टू सिक्स जो है, तो यहाँ इसको अंदर करेंगे तो ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, बाहर जीरो आ जाएगा। अब इसमें देखते हैं तो ए के लिए क्या आ गया माइनस टू, बी के लिए क्या आ गया 3 और सी के लिए क्या आ गया माइनस 6, तो ए के लिए क्या लिखेंगे माइनस 2 लिखेंगे और बी के लिए क्या लिखेंगे 3 लिखेंगे और सी के लिए क्या लिखेंगे माइनस 6 लिखेंगे। तो इस तरह जो है ये लेसन आपका कंप्लीट हो गया। फिर हम जो है इसमें ग्राफ में चलेंगे, ग्राफ में को स्टडी करेंगे और इसको समझेंगे, तो तब तक के लिए हम लोग जो है फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद और आप लोग घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।